हेलो फ्रेंड्स, मैं एस एस सर आपके सामने लेके आया हूँ आज प्रॉफिट एंड लॉस। क्या लेके आया हूँ? प्रॉफिट एंड लॉस। आइए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। क्या है इसमें, तो देखिएगा, पहले आप बात समझिए। जैसे मैंने शुरुआत में, मैं बिल्कुल शुरुआत से लेके चलूँगा इसको, क्या किया करो, सभी जो भी बच्चे हैं इसको सभी लोग पढ़ने की कोशिश करो। अच्छा, आप एक बार बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस, क्या मैंने बोला? प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस, क्या मैंने कहा? प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा देखिएगा, आप लोग बात समझिए। जैसे मैंने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, जैसे सीपी होता है, क्या होता है? सीपी। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। ऐसा ही होता है एसपी। क्या होता है? एसपी। इसको बोलें सेलिंग प्राइस, जिसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। अब आइए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर समझते हैं। क्रय मूल्य वो चीज़ होती है जिससे कोई चीज़ खरीदी जाती है। जैसे मैंने कहा कि मान लो आप कि मैंने ये कहा कि आप एक ने गाय ली। क्या ली? गाय। गाय जो होती है काऊ, उसको मैंने लिया, तो मैंने उसको क्या किया? खरीदा है, परचेज किया है। तो यही हो गया सीपी। क्या हो गया? सीपी। और जैसे मैंने कहा गाय ले ली, अगर अब मैंने कहा कि एसपी क्या होता है, तो एसपी वो होता है जो चीज़ बेची जाती है। क्या किया? बेची जाती है। जैसे मैंने कहा कि कोई चीज़, जैसे मैंने गाय ली और इसको मैंने बेच दिया। क्या किया? बेच दिया। तो वो हो गया सीपी। अच्छा देखिए, इसमें केस टू, दो केस होते हैं। कितने होते हैं? टू केस होते हैं। केस कैसे टू होते हैं? एक आपने देखा होगा कि नंबर एक जैसे होता है अमाउंट का केस। कैसा होता है? अमाउंट का केस। तो ये जो क्वेश्चन लगेंगे दो दो के हिसाब से लगेंगे। कैसे लगेंगे? टू के हिसाब से। नंबर एक अमाउंट केस, नंबर दो भाव का केस। कैसा? भाव का केस। अमाउंट केस क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि जैसे कोई भी, आप मान लो कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन पहले देखिए। हाँ, जैसे मैंने क्या बताया था कि एक भाव का केस होता है, एक अमाउंट का केस होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या है? एक पुस्तक का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बेटे तो बोले तो सीपी। क्या है? सीपी। कितना है क्रय मूल्य? एक पुस्तक का क्रय मूल्य बोला जाए तो 110 रुपये है। कितना है? 110 रुपये। जब एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये है, ओके, तथा उसका विक्रय मूल्य, अगर एसपी की बात की जाए तो एसपी कितना है? 123.20। अब देखिए मैंने क्या कहा कि ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी, तो इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने परसेंट का लाभ होता है, आप बताइए। जैसे आप मान लो कि एक कोई पुस्तक है, उसको 110 रुपये में ख़रीदा, कोई बात नहीं, और उसको 123 रुपये में बेच दिया, तो जाहिर सी बात में फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा हो कितना रहा है? 110 में माइनस कर देंगे 123 रुपये। कितना? 123 रुपये और 20 पैसे। कितना कर देंगे? 20 पैसे। जब माइनस करेंगे तो हमारा फाइनली आ जाएगा, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? हमारा फाइनली आएगा 123 में से 110 कर सकते हैं, आपस में माइनस कर सकते हैं, तो घटा देंगे 13 रुपये। क्या आ जाएगा? 13 रुपये 20 पैसा। कितना आ जाएगा? 13 रुपये 20 पैसे। जब ये आ जाएगा तो अब मैं जानता हूँ लाभ प्रतिशत निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या निकालेंगे? जो लाभ आया है, लाभ कितना आया? 13 रुपये एंड 20 पैसे, ये लाभ आ गया। मल्टीप्लाई कितने का? 100 का। कितने का? 100 का। अपान सीपी क्या है? 110 रुपये। क्या है? 110। तो जीरो से जीरो चला गया, पॉइंट हटाएंगे ये टू जीरो चले गए, बचा क्या? 132 रुपये। इसको काटेंगे 11 दूनी 22, मतलब जो हमारा फाइनली आ गया वो आ गया 12%। कितना आ गया? 12%। तो यही मेरा प्रॉफिट आया। क्या आया? लाभ आया। कितना आया? 12%। तो ये होता है अमाउंट का केस। क्या होता है? अमाउंट का केस। क्या होता है? अमाउंट का केस। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग देख लीजिए।
हाँ तो जैसे अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल को 960 रुपये में खरीद कर 1862 रुपये में बेच दिया, तो बेचे जाने पर कितने परसेंट की हानि या लाभ होगा, कितने परसेंट की हानि या लाभ होगा। आप समझो, एक जो बाइसिकल है उसको क्या किया, खरीदा, मतलब सीपी किया गया, इसका क्रय मूल्य जो है 1960 रुपये है, ओके। और इसको बेचा कितने में गया, एसपी कितने का हुआ, तो एसपी अगर देखा जाए तो 1862 रुपये का, कितना हुआ 1862 रुपये का। अब उसने कहा है कि इसमें कितना लाभ और कितनी हानि होगी, सॉरी 62 रुपये का। आप एक बात बताइए, मैंने कहा कि एक साइकिल को 960 रुपये में ख़रीद लिया गया, कोई बात नहीं, 960 में ख़रीदा गया, ओके, और बेचा कितने में गया, बेचा गया 1862 रुपये में, कितने में, 1862 रुपये में। तो इसको क्या कर लेंगे फ्रेंड्स, माइनस कर लेंगे, क्या कर लेंगे, माइनस। तो देखो, कोई चीज़ हमने 1960 रुपये में खरीदी और 1862 में बेची, तो हमें क्या हुआ, हान हुई, क्या हुई, हान। इसको माइनस कर लेंगे तो इधर 8 आ जाएगा, इधर 5 बचेगा, 15 हो जाएगा, कैरी ले लेंगे जब, तो फाइनली आ जाएगा 15 में 9 6 15 98 रुपीज, कितना आ गया 98 रुपीज। अब 98 रुपीज हमारी क्या आई, हानि आई, क्या आई, लॉस आया है 98 रुपये। अब मुझे क्या निकालना है, लॉस प्रतिशत, मतलब हानि प्रतिशत। तो क्रय मूल्य कितना था, सीपी कितना था इसका, तो सीपी आप देख लीजिए, सीपी देखिएगा, सीपी था 1960 रुपये, कितना था 1960 रुपये। तो मैंने क्या कहा, इधर आ जाओ भाई, आ जाओ थोड़ा, 1960 रुपये, ओके। इसके बाद 100 का गुणा अपान 98, इसको जब काटेंगे तो 8 16 मतलब 2 बार जाएगा, कितना आ गया 20 गुणा 100 करेंगे, तो फाइनली जो हमारा आंसर आ गया 2 के बाद 30, मतलब बोलें तो 2000 रुपये का हमें क्या हुआ, हान हुआ, क्या हुआ, हान हुआ, लॉस हुआ, ओके फ्रेंड्स। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसके बाद आगे आता है, आगे एक टाइप होता है सेकेंड टाइप, कौन सा टाइप है, सेकेंड टाइप। तो सेकेंड टाइप आप देखिएगा क्या है, सेकेंड टाइप वो टाइप होता है जैसे होल वैल्यू, होल वैल्यू बोलूं तो डब्ल्यू वी इसको भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, होल वैल्यू को बोल सकते हैं डब्ल्यू वी। कैसे डब्ल्यू वी, कैसे, देखो हमने कहा फ्रेंड्स, हमने ये कहा कि मान लो होल वैल्यू, अगर होल वैल्यू बोलें तो जैसे 10% है, क्या है 10%, अगर 10% लाभ है, क्या है भैया, लाभ है, अगर 10% लाभ है तो हम क्या करेंगे, अगर 10% लाभ है तो इसकी पहले होल वैल्यू निकाल लें, तो होल वैल्यू बोलें तो 10/100 कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, इसको काट लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। और जब 1/10, अब अगर इसमें लाभ है, मान लो 1/10 की बात अगर प्रॉफिट की जा रही है, सॉरी प्रॉफिट की जा रही है, तो प्रॉफिट में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 10 और 1 11 कितना हो जाएगा, 11/10, अच्छा भाई ये हो गया। अगर लॉस की बात की जाएगी तो माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9/10 आ जाएगा, ओके। आप देखिए इसको देखते रहिए, बैक करके देख सकते हैं, तो 9/10 आ जाएगा। अच्छा, इसमें बहुत प्यारी सी ट्रिक है, क्या ट्रिक है, कि जब हम सीपी से, जब हम सीपी से एसपी में जाएंगे, बात बहुत प्यारी है, तो होल वैल्यू जो होगी उसका सीधा गुणा करेंगे, मतलब डब्ल्यू वी का सीधा मल्टीपल करेंगे, क्या करेंगे, सीधा गुणा करेंगे, क्या करेंगे, सीधा गुणा करेंगे। अच्छा, अगर हमें एसपी में जाना है, किस में जाना है, एसपी में, अगर मैं कह दूं एसपी से सीपी में जाएंगे, बात समझते जाना, उधर सीपी से एसपी में गए थे तो होल वैल्यू का सीधा मल्टीप्लाई किया था, इसमें क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, उल्टा, नहीं समझे, बात समझे कोशिश करो। अगर मैंने कहा कि अगर मैं सीपी से एसपी गया तो होल वैल्यू का सीधा मल्टीप्लाई, ओके, सीधा का एरो, अगर मैं एसपी से सीपी में गया तो होल वैल्यू का उल्टा मल्टीप्लाई, ये ट्रिक बहुत प्यारी है। अब आइए कैसे, जैसे मैं अगला क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, जैसे हाँ अब देखिए क्वेश्चन आ चुका है, एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने पर, भैया बेचना बोलें तो एसपी, ओके, एसपी बोलें तो विक्रय मूल कितना है, 873 रुपये, अच्छा भाई, बेचने से विक्रेता को
10% की हानि होती है भैया, क्या होता है लॉस होता है, कितने का होता है 10% की। तो इसकी हम होल वैल्यू निकाल लें, जब मैं इसकी होल वैल्यू निकालूंगा तो 1/10 हो जाएगा, हान है तो कितना आ जाएगा 9/10, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 9/10 है। अच्छा अब मैंने क्या कहा, अगर मैं एसपी से सीपी में जा रहा हूँ, किससे जा रहा हूँ सीपी में, बात समझते जाइए, जैसे इसमें कहा कि बेचा फिर क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब एसपी से सीपी में गए, और जब एसपी से सीपी में जाते हैं तो होल वैल्यू जो होती है उसका क्या करते हैं सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितने में करेंगे 873 मल्टीप्लाई, 873 मल्टीप्लाई 9/10 था तो उल्टा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 10/9, बहुत सही। अब इसको काट देंगे तो 9 * 81 * 63 97 आया, तो हमारा फाइनली आंसर कितना आ गया, जो मेरा सीपी होगा वो होगा 970 रुपये, कितना होगा फ्रेंड्स 970 रुपये। बताइए भाई ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ओके। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, हाँ देखिए कैसे, जैसे अगला क्वेश्चन आया देखो कितना प्यारा है, एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने पर, मतलब एसपी, बात समझते जाइए, इसका एसपी कितना है 2850 रुपये। अच्छा भाई कोई बात नहीं, 2850 रुपये मैंने बोल दिया, जब इसका एसपी 2850 रुपये है तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, जब इसका एसपी 2850 रुपये है तो आप कह सकते हैं, सॉरी 2850 रुपये में बेचने पर तो एसपी आया, अब क्या होता है लाभ होता है, मतलब प्रॉफिट होता है, और कितना होता है 14% का। अच्छा भाई कोई बात नहीं, 14% की आप होल वैल्यू निकाल लीजिए, तो मैंने कहा 14% की होल वैल्यू क्या आएगी 14/100, और जब 14/100 आ गया है तो मैं इसको आसानी से कह सकता हूँ कि जो इसका मैं कह सकता हूँ सीपी निकालूंगा, क्या निकालूंगा, हाँ तो मैंने क्या कहा इसका देखो अब बात समझो, फिर समझिए 2850 रुपये में कोई चीज़ बेची गई, कितने बेची गई 2850 रुपये में, 2850 रुपये में, ये यार क्या हो गया कटिंग गड़बड़ हो गई, सब कहानी सब गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं मैं, हाँ 2850 रुपये में बेचने पर, तो देखो एसपी क्या 2850, प्रॉफिट कितना हुआ 14%, तो 14/100 कर लिया, और जब मैंने 14/100 कर लिया है, कितना कर लिया फ्रेंड्स 14/100, तो जब 14/100 कर लिया तो अब मैं कह सकता हूँ आसानी से, क्या कह सकता हूँ कि इसका मैं सीपी निकाल सकता हूँ, तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, बात समझना, जो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे 2850 जो 50 है उसमें मल्टीप्लाई एसपी से सीपी में जा रहे हैं ना, तो उल्टा करेंगे, मतलब 100/14 करेंगे, कितना, नहीं नहीं 14 नहीं 114 सॉरी प्लस है, मतलब प्रॉफिट है 114, तो मैं कह सकता हूँ 2850 गुणा 2850 गुणा 100/114, ओके फ्रेंड्स ये जो आ गया इसको हम काट सकते हैं आसानी से, तो इसको जब आप काटेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि देखो कितने कटेगा, 2 से काट लो पहले, 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 72, 144, ओके जब 72 × 144 किया ये 2 से काटेंगे, 14 × 28 25 × 50, और इसके बाद काम करते हैं, जो मैंने सीपी बनाया था 2850 जो था उसमें मल्टीप्लाई 114/100 कर लिया, ओके फ्रेंड्स जब मैंने इतना कर लिया अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होती है 8% का, और भी देखो कुछ दिया है, क्या दिया क्वेश्चन 8% यदि लाभ रखा जाए, कितना रखा जाए 8% यदि लाभ रखा जाए, तो अब बात समझिएगा आप, अब मैंने 114 जब मैं 8% का लाभ रख, ये तो 100/ यहाँ पे 100 करेंगे, क्यों यहाँ पे 100 करेंगे, यहाँ से 114 करेंगे क्योंकि वैल्यू पलट देंगे सीपी बनाया है, अब करेंगे 108 बटे
सौ, ओके, सौ से सौ चले गए, ठीक फ्रेंड्स। 114 आया, 72 दूना नहीं, दुपंचे 10, 214, 57 आया, 2 से काटेंगे 54 दूना 108, 3 से काटा 19, 3 57, और ये अगर 3 से काटेंगे 3 एकन 3, 38 24, 18 आया, और अब ये 19 से काटेंगे 19 एकन 19, 19 दूनी 38 ज़्यादा, 19 एकन 19, 19 के 19 9, 19 पना 95, तो ये आ गया है 18 15 का गुणा करेंगे, 18 54 जो होता है, तो 18 और 15 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 15, तो कितना हो जाएगा 18 5 90 और 18 1 18 और 9 270 और डबल 10 और था, कितना आ गया 2700 आंसर आ गया, कितना आ गया फ्रेंड्स 2700। तो ये रहा आपका, ओके फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, और इसके बाद मैं कल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। आपके आज 2 पार्ट हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं 2 टाइप हो चुके हैं, सॉरी 2 टाइप हो चुके हैं, तो 2 टाइप आपके हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आएंगे कल, जो आपने देखा होगा कि इतनी वस्तुएँ इतने मूल के बराबर होती हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं। तो ओके, मस्त रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।